जब कुछ नया और अच्छा हेल्दी स्वादिष्ट बनाना हो तो इस तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर चाहे तो बच्चों का टिफिन या किट्टी पार्टी, कोई भी स्पेशल डे हो, मेहमान आ रहे हो, तो आप पहले से तैयार करके इस तरीके से गर्मा गर्म बनाकर सर्व करें। इंस्टेंट फटाफट बनकर तैयार हो जाता है और समोसे कचौरी तो बिल्कुल फीके लगेंगे इसके आगे। ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी खस्ता बनता है और आपने शायद ट्राई भी नहीं किया होगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा और इसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ी सी मैदा ली है 2 टेबलस्पून के आसपास और साथ में ही नमक डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको छान लेते हैं। आप चाहे तो खाली इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर दोनों चीज को ऐसे मिक्स करके, या फिर खाली मैदा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आटे से भी काफी अच्छा बनता है, तो मैंने ज्यादा आटा ही लिया है, बिल्कुल थोड़ी सी मैदा ली है और थोड़ी सी अजवाइन डाल दी। अब इसके बाद डाल देंगे मोहन के लिए 2 टेबलस्पून के आसपास रिफाइंड ऑयल, या आप चाहे तो घी या बटर भी डाल सकते हैं। तो हल्का सा इससे जब बनाएंगे तो काफी अच्छा स्नैक्स बनता है इस तरीके से, क्रिस्पी और खस्ता। तो यहाँ पर 2 भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे, एक में हम निकाल लेते हैं दूसरी साइड में और एक को सिंपल ही ऐसे आटा तैयार कर लेंगे जैसे आटा तैयार करते हैं मीडियम सॉफ्ट। तो ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा आज आटा टाइट लगाना है। तो यहाँ पर आटे को आप देख सकते हैं थोड़ा ऐसा ही रखना है तो अच्छा रहेगा। तो इसको ढककर रख देते हैं साइड में, तब तक हम तैयार कर लेते हैं दूसरे आटे को। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी ली है, जैसे हम हरा धनिया, हरी मिर्च वगैरह लहसुन से बनाते हैं बस वही चटनी है। आप चाहे तो यहाँ पर पालक वगैरह धनिया ऐसे पीस कर भी ले सकते हैं, हरी मटर को भी। तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर चाहिए तो आप इस तरीके की ग्रीन सब्जी से ऐसे बना सकते हैं। तो पहले इसको हम तैयार कर लेते हैं ऐसे ही डालकर, और ये ऐसे ही तैयार हो जाएगा, इसमें पानी वगैरह नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर ये आटा थोड़ा सा हम सॉफ्ट ही रखेंगे, तो वो आटा तो हमने टाइट किया था, ये आटा हमारा सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो दोनों आटे हमारे तैयार हैं। अब आटे के ऐसे मीडियम साइज के पेड़े से बनाकर इसको बेल ले जैसे रोटियां बनाते हैं बस ऐसे ही, और इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं रखना, थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो यहाँ पर रोटी से भी थोड़ा सा पतला रखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस हमने ऐसी रखी। अब इसी तरीके से दूसरे को भी हम बना लेंगे। तो ये आटा एकदम थोड़ा सॉफ्ट ही, आप हाथ से भी ऐसे बना सकते हैं या फिर हल्का सा बेलन से ऐसे बेल ले। तो सेम उसी साइज में इसको भी हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि चिपकता है तो थोड़ा सूखा आटा या मैदा भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने इसको भी तैयार कर लिया, और मैं दिखा देती हूँ बिल्कुल पतला रखा है, ज्यादा मोटा नहीं। अब इसके बाद हम प्लेन रोटी लेंगे और उसके ऊपर ऐसे पतली सी स्ट्रिप सी कट करेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा मोटी नहीं कट करेंगे, जितना पतला आप स्ट्रिप कट करेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर किनारे की तरफ हल्का सा दोनों साइड में ऐसे छोड़ देंगे, तो पूरा कट नहीं करना, ऐसे किनारे की तरफ हल्का सा छोड़ दे और बीच में ऐसे कट लगा दे पूरे अच्छे से। तो यहाँ पर पूरी रोटी पर ऐसे इसी तरीके से हम कट लगा देंगे, और ये बहुत ही नया तरीका है और आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। के बाद हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे, नॉर्मल पानी, वैसे तो ज्यादा पानी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने दूसरी जो रोटी बनाई है वो पहले से ही आटा इसका सॉफ्ट रखा था, तो बिना पानी भी आप ऐसे मतलब बना सकते हैं। और किनारे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर साइज में ऐसे सेट कर दें दबाकर एक दूसरे के ऊपर, तो ये थोड़ा अच्छे से ऐसे सेट भी हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसके बाद स्टफिंग करेंगे। तो मैंने थोड़ी सी प्याज ली है यहाँ पर, आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ी सी प्याज के बाद हरी मिर्च, और उसके बाद डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा चीज को ग्रेट करके, तो यहाँ पर पनीर चीज वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो हल्का हल्का ऐसे बारीक सा ग्रेट करके डालेंगे तो अच्छा रहेगा, और ये बहुत ही इंस्टेंट तैयार हो जाता है। इसके ऊपर कुछ लाल मिर्च पाउडर ऐसे डाल दें, तो यहाँ पर कुछ मसाले वगैरह भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, ऐसे देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। अब इसके बाद एक साइड से किनारे की तरफ हल्का सा दबाएंगे, ऐसे रोल करेंगे, तो पतला सा पहले किनारे की तरफ दबाकर ऐसे टाइट रोल करेंगे। तो जितना आप इसे टाइट और अच्छे से दबाकर सेट करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से स्ट्रिप दिखाई देगी और अच्छे से ये सेट भी हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से आप रोल करें पहले हल्का सा दबाकर इसको, और यहाँ पर इसके बाद किनारे की तरफ अगर आपको लग रहा है कि जैसे लास्ट में थोड़ा बच रहा है तो उसको थोड़ा दबाकर ऐसे पतला कर सकते हैं, या फिर हल्का सा इसके ऊपर आप पानी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर किनारे अच्छे से ऐसे सेट भी हो जाते हैं। अब इसके बाद इसको रोल कर देंगे ऐसे, और हल्का सा ऐसे रोल करके थोड़ा सा इसको सेट कर देंगे, तो ये किनारे भी अच्छे से इसके चिपक जाते हैं। और ये देख रहे कितनी अच्छी स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे रोल करने के बाद इसको धीरे धीरे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इसको एक साथ एकदम फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल किनारे की तरफ थोड़ा सा लेकर इसको राउंड में ऐसे करना है थोड़ा सा, और एक साइड में इसको ऐसे दबाकर सेट करेंगे। तो एक किनारे की तरफ दूसरे किनारे को दबाकर इसके अंदर थोड़ा सा कवर कर देंगे, तो किनारे भी अच्छे से सेट हो जाएंगे और ये एक अच्छी सी शेप तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा ज्यादा टाइट है या फिर नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा सा आप पानी लगाकर ऐसे सेट कर दे। देखिए तैयार है, तो बहुत ही नए तरीके का ऐसे नाश्ता तैयार हो जाता है। अब एक तरीका और बता देती हूँ, तो सेम ऐसे ही स्ट्रिप कट करनी है पहले पूरे पर ऐसे ही,
और इसमें पूरे में ऐसे स्ट्रिप कट करने के बाद देखिए हमने ऐसे दूसरी रोटी भी बना ली। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे पानी लगा सकते हैं, तो उस पर ना लगाकर इस रोटी पर ऐसे पानी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सेट करने में भी आसानी आती है, ऊपर से ऐसे दबाकर थोड़ा सा साइड में, तो हल्का सा हाथ से दबाकर ऐसे सेट कर देंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर जो स्ट्रिप है वो इस साइड से है, तो आप इसमें अलग अलग तरीके से भी ऐसे फोल्ड करेंगे तो डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे थोड़ी सी प्याज, उसके बाद मैंने आलू को थोड़ा सा बॉइल करके लिया, ऐसे ग्रेट करके डालेंगे, तो अपनी पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, इसके बाद ब्लैक पेपर, तो यहाँ पर जो भी मसाले वगैरह डालना चाहे डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, तो इससे भी काफी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा ब्लैक सेंट भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर स्टफिंग अपनी पसंद से अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, और बहुत ही आसान सा तरीका, एकदम नया भी है और आपको ये पसंद भी आएगा, आप ट्राई जरूर करना। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है, तो यहाँ पर ऐसे रोल करेंगे, इसमें अलग डिजाइन बनकर आएगा, तो किनारे की तरफ हल्का सा दबाकर ऐसे पतला कर ले थोड़ा सा, और थोड़ा सा आप किनारे की तरफ ऐसे भी आप सेट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चिपक रहा है तो थोड़ा पानी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसी तरीके से भी आप बना सकते हैं, बिना कुछ करे ऐसे किनारे की तरफ थोड़ा सा चिपका दे इसको पानी से, और ये ऐसे आप बना सकते हैं, तो ये अलग तरीका भी ऐसे तैयार हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसको ऐसे राउंड में ऐसे गोल करेंगे, और आप चाहे तो थोड़ा सा एक किनारे को ऐसे पतला सा कर सकते हैं, दूसरे इसके अंदर ऐसे दबाकर सेट करेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर शेप तैयार हो जाती है एकदम राउंड में स्ट्रिप से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और किनारे पर थोड़ा सा ऐसे खींचकर दबाकर सेट कर दे, तो है ना एकदम नया तरीका, और आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, ट्राई भी नहीं किया होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से बाकी सभी को हम तैयार कर लेंगे, तो देखने में तो कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं, और जब मर्जी चाहे इसे मतलब फ्राई करें या बेक करें, पर आप ट्राई जरूर करना, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर इसे हम फ्राई करने वाले हैं। यहाँ पर हमने तेल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसके अंदर डाल देंगे एक एक करके। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, तो यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा कम ही रखना है, तो जितना अच्छे से पकाएंगे उतने ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही एक साइड से थोड़े से पक जाएंगे, तब उसके बाद थोड़ी साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे बाद में काफी स्ट्रिप इसकी दिखाई देती है अच्छे से, और भी ज्यादा क्रिस्पी और अच्छा बनता है। तो यहाँ पर दो तीन बार इसी तरीके से साइड चेंज करके इसे पकाएंगे, तो अंदर तक काफी अच्छे से पक जाता है, अच्छा बनता है एकदम क्रिस्पी और अच्छा। तो यहाँ पर पकाने में आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ा अच्छे से पकाए तो काफी क्रिस्पी और खस्ता बनता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा पहले से काफी अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया, और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितना अच्छा लग रहा है। तो देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में तो उससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी खस्ता और एकदम अच्छा बनता है। और सबसे अच्छी बात यही है, इसे आप दो तीन दिन के लिए भी इंजॉय कर सकते हैं, मतलब एक बार बनाकर दो तीन दिन भी इसे खा सकते हैं, खराब नहीं होता, क्योंकि ऐसी कोई स्टफिंग वगैरह नहीं की है, एक स्नैक्स की तरह ये लगेगा आपको, और जो हमने ग्रीन चटनी से फ्लेवर दिया था उससे तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा बनता है, देखिए काफी अच्छे से ये पक चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दो कलर में देखने से भी अच्छे लगते हैं और बनाने में तो बिल्कुल आसान। तो वीडियो तो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी तब पता चल जाएगा कितने अच्छे बने हैं। तो देखने में तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, काफी क्रिस्पी और अच्छे। तो ये यहाँ पर दो तरीके से शेप तैयार हो जाती है, एक तो ऐसे सीधी स्ट्रिप सी, और एक थोड़ा सा राउंड में, तो थोड़ा सा फिरकी के टाइप का सा, मतलब ये एक स्नैक्स सा तैयार हो जाता है डोनट के शेप में। तो कुछ अलग भी है, नया भी, और आपने इससे पहले कहीं ट्राई भी नहीं किया होगा और देखा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आपको डिजाइन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आसानी से घर पर एकदम यूनिक और नए तरीके की रेसिपी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और एकदम खस्ता बना है। जो हमने ऐसे स्ट्रिप्स ही बनाई है ना, ये एकदम अच्छी बनी है, और अंदर देखेंगे तो इसके अंदर इतनी सारी लेयर आपको दिखाई देगी, जो हमने ऐसे दो रोटी से लेयर बनाकर तैयार किए थे ना ग्रीन चटनी के साथ में, तो इससे ये स्वादिष्ट तो बहुत ही ज्यादा बनता है और क्रिस्पी और खस्ता बनता है, और अंदर तक देखिए अच्छे से पकता भी है। तो ऐसा नहीं है कि अंदर से अच्छे से नहीं पकता, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, और इतना ज्यादा क्रिस्पी बनता है, समोसे कचौरी भी इसके आगे फीके लगेंगे, इतना ज्यादा स्वादिष्ट भी लगता है। तो कुछ नया ट्राई करना हो तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है। क्रिस्पी होने के साथ साथ इसके अंदर खूब सारी लेयर बनती है, स्वादिष्ट तो बहुत ही ज्यादा लगता है। जो हमने इस तरीके से बनाया ना, एकदम यूनिक भी है। तो ये हमारी नए तरीके की गेहूं के आटे की स्ट्रिप कचौरी आप समझ सकते हैं, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी बनती है। तो जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।